नमस्कार। नौकनी क्या है, ये क्यों होता है और इसे कैसे ठीक किया जाए, मैं डॉक्टर दीपक सोनी आज के इस वीडियो में आपको इसी के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। नॉर्मली हम जब किसी इंसान को पैर मिलाकर खड़े होने के लिए बोलते हैं तो उसके पैरों के दोनों घुटनों के बीच में एक गैप मेंटेन होता है, जिसमें आप अभी देख सकते हैं। लेकिन जब कभी दोनों घुटने आपस में टकरा जाएं, तो इस कंडीशन को नौकनी कहते हैं। आमतौर पर जब बच्चा चलना शुरू करता है तो नौकनी कंडीशन ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है, जो कि उसे चलने में काफ़ी सहायक होती है, क्योंकि इससे वह एक वाइड बेस बनता है जिससे बच्चा अपना संतुलन बनाए रखता है। लेकिन ये धीरे धीरे समय के साथ ऑटोकरेक्ट हो जाती है। लेकिन कई बार विटामिन डी की कमी से, ओबेसिटी या एक्सरसाइज ना करने की वजह से ये कंडीशन ऑटोकरेक्ट नहीं हो पाती और आगे चलकर फ्लैट फुट, घुटनों में दर्द, पंजों में दर्द और कमर दर्द जैसी प्रॉब्लम को बनाती है। तो आइए हम जानते हैं कि नौकनीज को कैसे ठीक किया जाए। इसके लिए हमें कुछ रूटीन से एक्सरसाइज करनी होती है और दिनचर्या में कुछ चेंजेस करने होते हैं। हमें पंजों का मूवमेंट कराना है, 3 सेकंड ऊपर, 3 सेकंड नीचे, इसको स्ट्रेच करना है ताकि सारी मसल्स अपनी पोजीशन में आ जाए और एक्सरसाइज करने के दौरान कोई इंजरी ना हो। इसको आप 10 टाइम रिपीट कराएंगे। इसके बाद जो सबसे पहले एक्सरसाइज हमें चालू करनी है, उसके लिए आप पेशेंट के दोनों घुटनों को चेस्ट की तरफ लेके जाएंगे। अगर वो अपने आप इसको स्ट्रेच करें तो अच्छी बात है, वरना आप इसमें थोड़ा सा अपनी तरह से प्रेशर डाल सकते हैं। इसे बिल्कुल वाइड एंगल पे लेके जाना है, दोनों घुटने दोनों शोल्डर को टच करें या इससे बाहर ले जाएं, ताकि कंप्लीट स्पाइन और हिप जॉइंट में स्ट्रेच आए। इसको 5 सेकंड होल्ड करेंगे एंड देन रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को 5 टाइम रिपीट कराना है। इसके बाद जो एक्सरसाइज करानी है, इसमें हमें थाइस को पकड़कर दोनों हाथों से और पैर को ऊपर स्ट्रेच करवाना है और पंजा नीचे की तरफ। इससे कंप्लीट थाइस और काफ मसल्स में एक स्ट्रेच क्रिएट होता है और घुटना अपनी न्यूट्रल पोजीशन में आता है। 5 सेकंड इसे होल्ड करेंगे एंड देन रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को 5 टाइम लेफ्ट से और 5 टाइम राइट से रिपीट कराएंगे। इसके बाद जो एक्सरसाइज कराएंगे, इसमें हमें साइड में करवट लेना है। साइड में पूरी तरह करवट ले लीजिए और पैर को टाइट करके ऊपर की तरफ उठाना है। इसे भी आप 5 सेकंड होल्ड करेंगे एंड देन डाउन। इस एक्सरसाइज में आप ग्रेजुअली, यानी कुछ दिनों के बाद जब थोड़ा नॉर्मल लगने लग जाए, तो आप इसमें आप एक वेट कप लगा सकते हैं। ये इस तरीके के वेट कप आते हैं, वो आप पेशेंट की एज और कंडीशन के हिसाब से अलग अलग टाइप का वेट यूज़ कर सकते हैं। इसे आप यहाँ बांध कर और इसे उसी तरह से 5 सेकंड होल्ड कराना है। रिलैक्स डाउन। इसके बाद जो एक्सरसाइज है, उसके लिए पेशेंट को हमें सिटिंग पोजीशन में लेना पड़ेगा। बैठ जाइए। सिटिंग पोजीशन लेने के बाद हमें एक बेल्ट या टॉवल या एक दुपट्टे से इसे पैर के ऊपर लगाना है और कंप्लीटली स्ट्रेच करना है। खींच के रखिए, इसे 5 सेकंड होल्ड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स। इसे पिंडलियों की मसल्स में काफ़ी स्ट्रेस बनता है, क्योंकि ज़्यादातर नौकनी में देखा जाता है कि जो नीचे का जो सोल होता है वो फ्लैट हो जाता है, जिसे फ्लैट फुट बोलते हैं, और उसे रीसेट करने के लिए ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इसे 5 सेकंड होल्ड करेंगे, रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को लेफ्ट और राइट दोनों पैर से कराएंगे। इसके बाद एक्सरसाइज के लिए पेशेंट को
क्रॉस लेग एक बटरफ्लाई पोजीशन जिसे बोलते हैं, हमें उस पोजीशन में लेना है दोनों पैरों को इस तरह से मिलाकर और दोनों घुटनों को स्ट्रेच करना है। इसमें आप देख सकते हैं कंप्लीट स्ट्रेच थाइज मसल्स में और हमारा जो सोल मसल है वहाँ भी आपको स्ट्रेच मिलेगा। इसे 5 सेकेंड होल्ड करेंगे, प्रेशर बना के रखेंगे एंड देन रिलैक्स। फिर से करिए, स्ट्रेच करेंगे, 5 सेकेंड होल्ड करेंगे एंड देन रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज में पंजों के नीचे एक टॉवल रखेंगे और इसको दोनों पंजों से समेट के अंदर तरफ लेकर आएंगे और फिर इसको वापस सीधा भी करेंगे पंजों से। इसके बाद पेशेंट को पैर लटकाकर बैठना है और पंजों को अंदर की तरफ मोड़ना है इस तरह से। इस तरह से पंजों को अंदर तरफ मोड़ेंगे और 5 सेकेंड होल्ड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। वापस ढीला छोड़ेंगे। लास्ट एक्सरसाइज हमको खड़े होकर करनी है। इसमें किसी भी चीज़ का सहारा लेकर आप खड़े हो सकते हैं और फिर अपने पैर को ऊपर की तरफ उठाना है। बिल्कुल इस तरह से मूवमेंट करेंगे पैर का 10 टाइम लेफ्ट से और फिर 10 टाइम इसको राइट पैर से लेफ्ट रिपीट करेंगे। ध्यान रखने वाली बातें ये हैं कि आप इस तरह दोनों घुटनों को मिलाकर बैठने से बचें और सोते समय दोनों घुटनों के बीच एक पिलो लगाएं। चलते समय अपने शूज़ में आर्च सपोर्ट लगाए रखें। ज़्यादा तकलीफ होने पर आप नी ब्रेस भी पहन सकते हैं। ये सभी प्रोडक्ट ऑनलाइन ईजिली अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इसी तरह के यूज़फुल वीडियो आगे बनाते रहें।